खबर बेराड की एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेराड में आज विदाई समारोह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आपको बता दें, विदाई समारोह विद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक कनकने जी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेराड में अपने 47 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद आज दिनांक 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षकों छात्र छात्राओं के साथ गणमान्य लोगों द्वारा संकुल प्राचार्य को फूल मालाओं के साथ उपहार देकर नम आंखों द्वारा विदाई दी गई। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि संकुल प्राचार्य अशोक कनकने जी का स्वभाव सरल, सहज और आत्मीय है, जो कि हर तरह से हर क्षेत्र में सभी के लिए लग्न और मेहनत से काम करते हैं। प्राचार्य जी ने बताया कि 47 दिन का कार्यकाल मेरा बहुत ही अच्छा रहा, सभी के साथ मिलजुल कर रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेराड से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और सुना है मन सर जी ना जाओ, ये कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे, यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। सुना है आंगन और सुना है मन सर जी न जाओ, ये कहती है धड़कन, याद प्यारी इनकी वाणी है बड़ी ही सुहानी है, प्यारी इनकी वाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई इनकी आंसू की रवानी है, आज है विदाई इनकी आंसू की रवानी है, सुना है आंगन और सुना है मन सर जी ना जाओ, ये कहती है धड़कन, सुना है आंगन और सुना है मन सर जी ना जाओ, ये कैसी है धड़कन। इसके आगे हाथ मुझे भुलाने का गे, तुम मुझे भुलाने पाओगे, हाथ मुझे भुलाने पाओगे, हालत सर की मैदे में केवल वास्ते में केवल मैं ही नहीं पूरा स्टाफ याद करते रहेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है जब भी से मैं आऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कुछ अलग। मेरा समस्त स्टाफ प्रिय छात्र एवं छात्र, सबसे ज्यादा मुझे नहीं पता मैंने क्या दिया क्या लिया, मात्र आपके यहाँ 47 दिन में आ रहा हूँ। 14 अगस्त को मैं जब रैली आ रही थी प्रभात के तब मैं यहाँ आया था, 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया, और मुझे नहीं पता क्या अच्छा होता है क्या बुरा, लेकिन जो कुछ मुझे सम्मान मिला वो मेरा परिवार है, मेरे परिवार की अहम भूमिका है जिसमें सभी का सहयोग, पत्नी पुत्र पुत्री दामाद सभी का, बहू सभी का सहयोग, जब जो चाहा वो मिला, इसलिए मैं पूर्ण रूप से खुश हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वस्थ हूँ, और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इसी तरह मुझे आशीर्वाद देते रहें, दुआएं देते रहें, मैं अपना काम जो किया है वो करूँ और आगे अपना जीवन भगवान